हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ECS T10 साइप्रस 2024 की जो सीरीज चल रही है, इसके 59वें मैच और आज के तीसरे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा नापा किंग्स वर्सेस किप्रो टाइगर्स लिमासोल के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 2:30 बजे स्टार्ट होएगा इंडियन टाइमिंग के अनुसार। डेट देखें तो 12 जून 2024 आज ही की है। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें, यपन सोन्स क्रिकेट ग्राउंड लिमासोल में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 120 से लेकर 130 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो 57 मैच इस वेन्यू पर हो चुके हैं, जिसमें से 33 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 24 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने। यानी बैटिंग फर्स्ट वाली को इस वेन्यू पर एडवांटेज है। ठीक है, वीडियो पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। पहली टीम नापा किंग्स ने इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 5 मैच इनकी टीम जीती है और 2 मैच इनकी टीम हारी है। बढ़िया टीम है, अच्छे खासे प्लेयर है, तो वीडियो को आप पूरा देखोगे तो सभी दोनों टीमों के प्लेयरों के बारे में आपको सही से जानकारी हो जाएगी, कौन कौन से प्लेयर इंपॉर्टेंट है, किस किस को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना है। ठीक है, लास्ट मैच जो खेला गया उसके हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 सेट कर दिया। तो पहला प्लेयर है गुरदीप शर्मा, जिसने इस टूर्नामेंट के 7 मैच में 165 रन बनाए, साथ ही 14 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 8 विकेट लिए। बैटिंग भी कर रहा है ओपनिंग में, साथ ही आपको कंपलसरी 2 ओवरों की गेंदबाजी दे रहा है और एक विकेट टेकर गेंदबाज है, और साथ ही बैटिंग भी अच्छी कर रहा है, इसलिए मस्ट पिक प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें 97% इसका सिलेक्शन है, सीधे सीधे सेलेक्ट करना है आपको और कैप्टन वाइस कैप्टनसी आप इसको दे सकते हो। इसके बाद है हरदीप सिंह, जिसने 7 मैच में मात्र 21 रन बनाए लेकिन 14 ओवरों की गेंदबाजी कराई है, 1 विकेट लिया है। बॉलिंग कंफर्म 2 ओवरों की कराई है लेकिन अभी तक इसको विकेट 1 ही मिला है, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि ओपनिंग करने आया था लास्ट मैच में, साथ ही 2 ओवरों की तो गेंदबाजी कंफर्म करा रहा है। इसी बेस पे अपन सेलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्शन आप देखोगे हरदीप सिंह का तो सिलेक्शन मात्र 8% है, लेकिन आज इस मैच में आप इसको ट्राई कर सकते हो क्योंकि बड़ा मैच है और बड़े मैच में परफॉर्मेंस कर सकता है प्लेयर। ठीक है, इसके बाद है सनाउल्ला साफी, जिसने इस टूर्नामेंट के 7 मैच में 60 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 0 विकेट लिए, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं करी है। उसके बाद है मंजोर अली, जिसने 7 मैच में 168 रन बनाए बल्लेबाजी से, साथ ही 13 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए, यह भी आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसीलिए एक मस्ट पिक प्लेयर है। सिलेक्शन की बात करें 95% सिलेक्शन है और इस प्लेयर को भी आप कैप्टन वाइस कैप्टनसी दे सकते हो। इसके बाद है लखविंदर सिंह, जिसने 7 मैच में 25 रन बनाए, 7 ओवरों की गेंदबाजी के दौरान 6 विकेट लिए। बॉलिंग कंफर्म 2 ओवरों की नहीं करवाता है लेकिन जब भी करवाता तो विकेट लेके जाता है, इसलिए आपको इसको ट्राई करना है। ठीक है, कुछ टीमों में तो जरूर ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है अली खान, जिसने 7 मैच में 189 रन बनाए, 189, 13 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 7 विकेट लिए। बैटिंग भी बहुत शानदार करता है, साथ ही आपको 2 ओवरों की कंपलसरी बढ़िया गेंदबाजी देगा और एक विकेट टेकर गेंदबाज है। ठीक है, सिलेक्शन की बात करें 94% सिलेक्शन है, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का यह भी एक जबरदस्त ऑप्शन है। ठीक है, इसके बाद है कमलजीत सिंह, जिसने 7 मैच में मात्र 26 रन बनाए और आप इसका सिलेक्शन देखोगे तो सिलेक्शन विकेट कीपिंग सेक्शन से 87% है। उसकी वजह यह है कि ये विकेट कीपिंग के अच्छे खासे पॉइंट आपको दिला देता है, अगर आप चाहो तो इस प्लेयर के साथ भी जा सकते हो। विकेट कीपिंग सेक्शन की बात अपन बाद में करेंगे। इसके बाद है इंसान रजा, जिसने इस टूर्नामेंट के 3 मैच में बल्लेबाजी करते हुए 25 रन बनाए, 5 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए। बॉलिंग भी कर रहा है, साथ ही जरूरत पड़ने पे आपको बैटिंग भी करके देगा और एक अच्छा गेंदबाज है, विकेट टेकर गेंदबाज है, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन देखोगे तो 73% इसका सिलेक्शन है। सभी प्लेयरों के हमने ओवरऑल रिकॉर्ड भी लिख रखे हैं, तो आपको किसी को प्लेयर का रिकॉर्ड देखना ओवरऑल तो आप देख सकते हो वीडियो को पोस्ट करके। उसके बाद है बरिंदर सिंह, 3 मैच में बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी। इसके बाद है सरबजीत सिंह, जिसने 5 मैच में मात्र 3 ओवर की गेंदबाजी कराई लेकिन 4 विकेट लिए, यानी जब भी बॉलिंग करवाता है तो विकेट लेके जाता है, इसलिए ग्रैंड लीग की रिस्की टीमों में आप इसको ट्राई कर सकते हो। इसके बाद है सुखविंदर सिंह, जिसने 4 मैच में 0 रन बनाए, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 7 मैच में 54 रन है। इस टीम की तरफ से बेंच पर से कोई सा भी प्लेयर खेलता है तो सभी के स्टैट्स हमने लिख रखे हैं, आपको टेलीग्राम पर उसके स्टैट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। बात करते हैं दूसरी टीम किप्रो टाइगर्स लिमासोल की, जिसने इस टूर्नामेंट में 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 4 मैच इनकी टीम जीती और 3 मैच इनकी टीम हारी है। इनके भी लास्ट मैच के हिसाब से हमने बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11 सेट कर दिए। तो पहला प्लेयर लास्ट मैच में ओपनिंग करने आए थे मलिक नुमान और हरदीप सिंह। पहले प्लेयर की बात करते हैं मलिक नुमान की, जिसने इस टूर्नामेंट के 7 मैच में 229 रन बनाए, 9 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 2 विकेट लिए। कंफर्म 2 ओवरों की गेंदबाजी नहीं कराता है, ठीक है, किसी मैच में 2 ओवरों की करवा देता है, किसी में 1 भी नहीं करवाता, इसलिए फिक्स नहीं है इसका, लेकिन बैटिंग ओपनिंग ही कर रहा है और बैटिंग से अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है। सीधे सीधे इसको सेलेक्ट करना है आपको और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दे सकते हो, इतना बढ़िया बैटिंग करता है।
इसके बाद है हरदीप सिंह, जिसने 7 मैच में 228 रन बनाए 32 की शानदार एवरेज से। 10 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, बैटिंग भी कर रहा है, साथ ही आपको 2 ओवरों की लगभग गेंदबाजी देगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन की बात करें 97% इसका सिलेक्शन है। उसके बाद है जयदू लप्पू, जिसने 6 मैच में मात्र 25 रन बनाए, बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है। इसके बाद है अमित कुमार, जिसने 5 मैच में 25 रन बनाए। इसके बाद है बलजिंदर सिंह, जिसने इस टूर्नामेंट के 7 मैच में 21 रन बनाए, 11 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए, बॉलिंग करवाएगा आपको और इस मैच में आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होएगा, क्योंकि ये सामने अच्छी टीम है तो इसकी बैटिंग आने की भी अच्छी खासी उम्मीद है। सिलेक्शन की बात करें 80% सिलेक्शन है। उसके बाद है शौकत खान, जिसने 7 मैच में 27 रन बनाए। इस प्लेयर को अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा और बल्लेबाजी कन्फर्म आएगी इसकी, और विकेट कीपिंग के भी आपको पॉइंट प्रोवाइड करवा सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन 11% है मात्र, ठीक है। इसके बाद है मुबासिर रहमान, जिसने एक ही मैच खेला था लास्ट वाला, जिसमें बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी। इसके बाद है MD आरिफ आकाश, जिसने 7 मैच में 38 रन बनाए, लेकिन इसका बैटिंग ऑर्डर खूब लेट है और विकेट कीपिंग सेक्शन में आपने को देखने को मिलेगा। अगर आप चाहो तो स्वागत खान की जगह इस प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हो, दोनों में से जो भी विकेट कीपिंग करे आप उसको ट्राई कर लेना, फिलहाल के लिए स्वागत खान को लेंगे। इसके बाद है रजीलुल इस्लाम, जिसने 7 मैच में 17 रन बनाए, 12 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 7 विकेट लिए, बॉलिंग करवा रहा और एक विकेट टेकर गेंदबाज है, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन की बात करें 82% इसका सिलेक्शन है। इसके बाद है ताहिदुल इस्लाम, जिसने 7 मैच में 31 रन बनाए, कुछ खास बैटिंग नहीं करी है, और ये 31 रन की पारी मैं आपको बताऊं इसके पहले मैच में आई थी, उसके बाद से कंटिन्यू इसने 6 मैच खेले और अभी तक इसका खाता भी नहीं खुला है, ठीक है। बैटिंग आई नहीं है किसी मैच में, किसी में आई है तो 0 पर आउट हो गया। इसके बाद है सुहावन मुल्ला, जिसने 6 मैच में 10 ओवर की गेंदबाजी करवाते हुए 4 विकेट लिए, तो इस प्लेयर को भी आप ग्रैंड लीग में कुछ टीमों में ट्राई कर सकते हो, रजीरुल इस्लाम को निकाल के या किसी भी एक बॉलर को निकाल के, ठीक है। फिलहाल के लिए अपन जो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर सभी को सेलेक्ट कर लिया, और लास्ट प्लेयर बच रहा है तो अपने को बल्लेबाजी सेक्शन से लेना पड़ेगा, उसमें आप ताहिदुल इस्लाम के साथ जा सकते हो, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर तो नीचे है लेकिन इस मैच में ओपनिंग कर सकता है, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन सनाउल्ला साफी और जायदुल अप्पू में से। फिलहाल के लिए अपन सनीउल्ला साफी को लेंगे, क्योंकि इसकी बैटिंग आने की उम्मीद कंफर्म है, ठीक है, यह बैटिंग आएगा कंफर्म, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। और कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी के इसमें खूब सारे ऑप्शन है, मैं आपको कैप्टनसी के दावेदार बता देता हूँ। गुरदीप शर्मा है, हरदीप सिंह है, मैजान अली है, मलिक नुमान है, इसके अलावा नीचे से अली खान, ये 5 प्लेयर आपके लिए इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के जबरदस्त ऑप्शन है, इनको आप किसी भी को भी कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो, सभी कैप्टनसी के दावेदार है। फिलहाल के लिए अपन सेफ टीम के हिसाब से मैं बताऊं तो मलिक नुमान को अपन कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी कर सकता है, और वाइस कैप्टन यहाँ से गुरदीप सिंह शर्मा को बनाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहो तो स्वाइप भी कर सकते हो, या आप डेमो टीम आप सेव कर लो, डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए। हम इस टूर्नामेंट के अलावा कल से एक T10 सीरीज स्टार्ट हो रही है, उसको भी हम कवर करेंगे, ठीक है। उसका भी मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ, मेरा नाम पांडुचेरी T10 की सीरीज स्टार्ट हो रही है, हम उसको भी कल से कवर करेंगे, नए मैच है मेंस के, तो उसको हम पूरी तरह से कवर करेंगे, सभी प्लेयरों को जेन्युइन स्टार्ट लेके आएंगे, तो आपको हेल्प हो सकती है हमारे चैनल के साथ जुड़ने से, और इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जैसे बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट, कोई नया प्लेयर खेलेगा तो उसके स्टैट्स, साथ ही जो हमारी फाइनल टीम होती है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।